हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ सनी। तो आज अपने चैनल ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम में आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स एमसीक्यूज जिसके बारे में। तो पार्ट वन हमारा हो चुका था, अब है पार्ट टू। तो और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, ये जो वीडियोज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं फिजिक्स एमसीक्यूज की, इसलिए मैंने इन्हों के पार्ट 10 बनाए। ठीक है, 10 पार्ट्स हैं टोटल, और ये सिर्फ शॉर्ट वीडियोज हैं, 5 मिनट की होगी या मतलब कि 10 मिनट की, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा की नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ एमसीक्यूज लिए हुए मैंने, ठीक है, मतलब थोड़े थोड़े एमसीक्यूज हैं, उसके अंदर ट्रिक बताई हुई है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो आज एंड तक लाजमी देखनी, क्योंकि इसमें मैं एंड में आपको बताऊंगा एक चैनल के बारे में। अगर आप पीएसटी जीएसटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रिपरेशन करवाता है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, द क्वांटिटीज फॉर व्हिच टू डिटरमाइन देयर वैल्यूज वी हैव टू नो देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर कॉल्ड डैश क्वांटिटीज। अब देखें, बात घुमा फिरा के की हुई है इन्होंने, कुछ भी नहीं है। हम लोग पढ़ते हुए आते हैं कि देखें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। फोर्स और वाट, खुद एक वाट तो खैर एक यूनिट, एक फोर्स एक क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, एक वो एक अलग चीज है। ठीक है, फोर्स इज अ क्वांटिटी यूज किया जाता है। ठीक है, फोर्स, लेकिन अब इसके अंदर जो बात की जा रही है ना, वो आपको की जा रही है देखें एक बिग क्वांटिटी की। इसके अंदर कहीं से भी फोर्स का जिक्र नहीं है। ठीक है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और वाट खुद एक पावर का यूनिट है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है, देखें द क्वांटिटीज उन विच फॉर विच डिटरमाइन देयर वैल्यूज, मतलब कि देखें आप कुछ चीज गौर नहीं करनी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात कर रहा है। जब डायरेक्शन की बात करे तो आपके आपको यह याद रखना है कि वेक्टर की तरफ जाना है हमें। ठीक है, क्योंकि वेक्टर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि डायरेक्शन की बात की है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा होता तो हम उधर स्केलर टिक कर सकते थे, तो इधर डायरेक्शन की बात की है तो इस जगह पर होगा वेक्टर्स क्वांटिटीज। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एन टाइप मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डैश, पॉजिट्रॉन्स, होल्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें, अगर आप लोगों ने ये ट्रांजिस्टर्स वाले चैप्टर्स पढ़े होंगे तो आप इस एमसीक्यूज को इजीली हल कर सकते हैं। इसमें मतलब कि कोई मुश्किल भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक समझने की बात है। वो क्या है कि मतलब किसके एन टाइप मटीरियल, पी एन जंक्शन, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसमें सिंपली जो क्वेश्चन नंबर टू का जो राइट आंसर है वो है इलेक्ट्रॉन्स। अब आ जाते हमारे क्वेश्चन नंबर थ्री पे, वॉल्यूम इज अ डैश क्वांटिटी। मतलब ये तो बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो कभी भी आप नन ऑफ दीज की तरफ तो सोच कर ही ना जाएं, क्योंकि देखें वॉल्यूम इज अ डैश क्वांटिटी क्वेश्चन ही ऐसा है, या स्केलर होगी या वेक्टर होगी। तो वॉल्यूम जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम को इज अ डायरेक्शन अपनी नहीं है कोई। ठीक है, उसको हम एक फर्जी डायरेक्शन दे सकते हैं किसी में भी, लेकिन अपनी एक उसकी डायरेक्शन कोई भी नहीं है। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री का होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे, द सेम पोल्स ऑफ अ मैग्नेट डैश ईच अदर। अब देखें, सेम पोल्स ऑफ मैग्नेट्स अट्रैक्ट करेंगे या प्रिपेल करेंगे, पुल रिपेल। देखें हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, सेम पोल्स मतलब सेम चार्जेस, सेम चार्जेस कभी भी अट्रैक्ट नहीं करती। देखें पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस ही होती हैं जो आपस में अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, एज अ बायोलॉजी एज अ फिजिक्स, इसमें कहीं पर भी आप जाएंगे तो यही आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। सेम जो चार्जेस होती हैं वो आपको रिपेल करती हैं, तो इधर भी यही चीज है, सेम पोल्स ऑफ अ मैग्नेट डैश ईच अदर, रिपेल क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर का रिपेल राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्पेरेशन। द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड, अब क्या ये अब इसकी डेफिनेशन आप लोग पढ़ी होगी, द डिस्टेंस कॉल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, इस तरीके से शायद आपने पढ़ी होगी, तो आपको जहन में आ रहा होगा डिस्प्लेसमेंट है। देखें इधर भी बात वही की हुई है इन्होंने, ऑप्शन देख के आप कुछ क्वेश्चन का अंदाजा लगा सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज तो इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, तो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर है डिस्प्लेसमेंट। अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड,
ये देखें, ये एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। रुके आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, देख मैं बता रहा था क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, वो कैसे कंफ्यूज कर सकता है आपको। देखें, स्पीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की तरफ फिलहाल ना जाएं, एवरेज वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को देखें, ठीक है। अब देखें एवरेज वेलोसिटी, अब कोई चीज एवरेज है तो मतलब कि आप समझते हैं कि ये देखें कंफ्यूज करने के लिए दिया, मे बी ये यूनिक ऑप्शन लग रहा है, शायद ये हो, हर बंदा यही तकरीबन सोच के मिस्टेक करता है। देखें मिसाल एवरेज स्पीड होती है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट जो कि होती नहीं है, ठीक है, कर सकते हैं हम उन्हों को। तो एवरेज के साथ कुछ और भी होती है, मतलब कि ना स्पीड है तो उसके अंदर की एक अलग चीज होती है। अब ये सिंपली एक डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ही होता है, ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन। और ये इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ जाए कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज ना होए, तो जो इसका प्रॉपर और सही आंसर है वो है एक्सीलरेशन। तो एक डेसीलरेशन भी होती है, तो उसके बारे में एक अलग वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 मतलब एंडिंग थी हमारी, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 वीडियो एंड हो चुकी है अब। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि भाई अगर आपको पीएसटी जीएसटी की प्रिपरेशन करनी है तो सर्च करें आईएएस अकेडमी के नाम पर, ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया, आईएएस अकेडमी इल्मे सादिक, उधर आपको पीएसटी जीएसटी की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं हाईली प्रोफाइल टीचर्स। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आईएएस अकेडमी। उसके अलावा आप अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो कमेंट सेक्शन में बता देगा कि वीडियो किस तरह की लगी, नहीं तो हमारे फेसबुक पेज है ग्लोरियस सर, उधर जाकर भी आप बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। खुदा